चलो भाई इस वीडियो में बात करते हैं। जो भी टेलीग्राम का अकाउंट है ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया है। अगर आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, लॉगिन हो भी जाता है फिर दोबारा से कुछ समय बाद लॉग आउट हो जाता है, तो ये क्यों होता है सब कुछ बताऊंगा। इसके अलावा जो भी कोई ईमेल है अगर उसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो उधर एक एरर देखने के लिए मिलता है, एन एरर ओकड इस टाइप से, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, सब सॉल्यूशन मिलेंगे। लाइक वाले बटन पर क्लिक कर देना। सो भाई सबसे पहले बात ये जाननी है कि जो भी लॉग आउट है वो किस टाइप से हो रहा है। वो इस टाइप से हो रहा है या तो सिम आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, किसी और के पास उसका एक्सेस है, ठीक है। तब तो बेसिकली बात यही है कि उसका एक्सेस है, वो अपने सिम का ओटीपी कभी भी डाल के लॉगिन कर सकता है। अब सेकंड बात आती है, जो भी सिम है वो आपके पास ही है, ओटीपी का एक्सेस भी आपके ही पास है, लेकिन तब भी लॉग आउट हो रहा है, ठीक है। तब तो लॉग आउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप खुद ही ओनर हो, सिम आपके पास है तो ही हो रहा है, ठीक है। वो भी बताता हूँ, ठीक है। वो इस टाइप से हो रहा है आपके अकाउंट में जिसने हैक किया है उसने अपनी ईमेल डाल दी हुई है। जब भी वो लॉगिन करता है ईमेल पर ओटीपी जाता है, वो डाल के लॉगिन कर लेता है, वो तुम्हारे अकाउंट को लॉग आउट कर देता है। इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो अभी वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा सोल्यूशन देता हूँ। अब इधर वीडियो को ध्यान से समझते रहना जो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना वो अकाउंट लॉगिन करना है जो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो रहा है, ठीक है। चलिए लॉगिन कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं अकाउंट मेरा लॉगिन हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, 3 लाइंस पे क्लिक करना जो सबसे ऊपर आपको दिखा रही है, ठीक है। चलिए करता हूँ। करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। एक और बात याद रखना, पहले चेक कर लेना वही वाला अकाउंट तो हमने लॉगिन किया है ना जो लॉग आउट हो रहा है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करना, फिर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस टाइप से करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको डिवाइसिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कर देते हो फिर नेक्स्ट पेज पर आपको टर्मिनेट ऑल अदर सेशन इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अगर इस टाइप से लिखा हुआ आ रहा है कि उस पर क्लिक करने के बाद टर्मिनेट ऑल सेशन पर कि फॉर सिक्योरिटी रीजन यू कैन टर्मिनेट, इस टाइप से अगर लिखा आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में तुमको कुछ देर में बाद ट्राई करना है, ठीक है। कुछ देर या 24 घंटे बाद ट्राई करना है, मतलब कि जैसे तुम ट्राई करोगे तब तुमको ये वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए। टर्मिनेट ऑल सेशन पे क्लिक करने के बाद जितने भी नीचे डिवाइसेस दिखा रहे वो सभी रिमूव हो जाने चाहिए। सो अभी तुमको समझ आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो तुमको ये करना है, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो सेकंड स्टेप अभी बताता हूँ। अभी तुमको अगेन से टेलीग्राम को ओपन कर लेना है, 3 लाइंस पे क्लिक कर देना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, ठीक है। इस टाइप से इंटरफेस आएगा, इधर लॉगिन ईमेल का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो इस पे तुमको प्रेस करना है फर्स्ट पे। सो जैसे कर दिया, करने के बाद इधर चेक कर लेना ये जो ईमेल है ये तुम्हारी खुद की ही ईमेल है ना। कई बार ऐसा होता है तुम्हारी खुद की ही ईमेल होती है, कोई तुमसे तुम्हारा फ़ोन ले लेता है वो तुम्हारी ईमेल अपने फ़ोन में भी लॉगिन कर लेता है, ठीक है। तो तब भी तुमको ये ईमेल को चेंज कर देना है, इसकी जगह कोई और डालनी है। चेंज ईमेल पर क्लिक करना, इधर नई ईमेल डालनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना, ओटीपी आएगा वो डालना है, कन्फर्म कर देना, ठीक है। अगर कंफर्म करने पर एक एरर देखने के लिए मिल रहा है एन एरर ओकड नाम से, तो उसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले डाली थी, उसको देख लेना, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में तुमको ये चेक करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जो भी पासवर्ड है वो तुम्हारा ही डला हुआ है ना, किसी और का नहीं डला हुआ ना। इसके अलावा तुमको खुद से ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन में पासवर्ड लगा देना है, ठीक है। कैसे लगाना है, इसी पेज पर रहना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, इधर क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा वो क्रिएट करना, फिर से कंफर्म होने को बोलेगा, फिर से अगेन से सेम पासवर्ड डाल देना। डालने के बाद बोलेगा ईमेल आईडी डालो, ठीक है, कोई भी ईमेल आईडी डालना, ओटीपी जाएगा वो डालना, फिर कंफर्म कर देना, तुम्हारी 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो खुद की ही ईमेल डाल देता है, ठीक है। तो उस केस में तुमको इधर से अपना पासवर्ड डालना है, पहले देख सकते हैं जैसे मैंने पासवर्ड डाला इधर सारे ऑप्शन आ चुके हैं, चेंज पासवर्ड, डिसेबल पासवर्ड, चेंज रिकवरी ईमेल, तो तुमको रिकवरी ईमेल पर क्लिक करना है। अभी तुमको इधर अपनी ईमेल डालनी है, जैसे ईमेल डालोगे देख सकते हो इधर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, यूअर रिकवरी ईमेल फॉर 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज नाउ एक्टिव, ठीक है। मतलब कि अभी अकाउंट को रिकवरी के लिए जो ईमेल है वो एक्टिव हो चुकी है, और ठीक है। सो ये चीज़ तुमको मस्ट कर लेनी है, होप अभी तुमको समझ आएगा। कई बार तुम्हारा पासवर्ड लगा भी नहीं होता, तुमको इसी टाइप से अपना पासवर्ड सेट करना, तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिस वजह से अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली लॉग आउट होता रहता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट रीज़न ये है कि अगर आपका जो सिम है वो किसी और का ही सिम है, आपके पास ओटीपी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में तो डेफिनेटली लॉग आउट होगा ही होगा, ठीक है। और सेकंड बात, अगर खुद ही आप ओनर हो, आपका ही सिम है तब भी हो रहा है, तो उस केस में आप ये जो मैंने प्रोसेस बताए वो सब फॉलो कीजिए,
कि मतलब कि आपका सिम है लेकिन तब भी लॉग आउट हो जा रहा है, सबसे पहले तो उसका एक्टिव सेशन से जाके उसका अकाउंट टर्मिनेट कर दीजिए, और लॉगिन ईमेल जो है उसको चेंज कर दीजिए, और टू स्टेप वेरिफिकेशन को अनेबल कर दीजिए, ठीक है। और अगर ईमेल ऐड करते वक्त को ऑन एन एरर ओकड का ऑप्शन दिखा रहा है तो वो वीडियो ऑलरेडी क्रिएट है, वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो बस इन सॉल्यूशन की जो मैंने तरीके बताए इनकी वजह से आप 100% अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टा टेलीग्राम पर पूछ लें, ठीक है। मिलता हूँ किसी और भी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, लाइक कर देना यार, कमेंट भी करना।